आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। रिक्वेस्ट करते हैं जो मेंबरान हैं यानी ट्रस्टीज, जैसे प्रोफेसर रियाज अहमद साहब, प्रोफेसर सईद अहमद साहब और डॉक्टर मुनीर और अखिल अहमद साहब, इनसे हमारे वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मुस्लिम्स वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू स्टैंड बाय अस, सो दैट स्टैंड फॉर द मुस्लिम्स, स्टैंड फॉर द कम्युनिटी एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो जैसा हमने आपको बताया था पहले भी कि विथ यू और विदाउट यू वी आर प्रोसीडिंग, और हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आवाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल आगे सिक्योर करना चाहता है एजुकेशन के हवाले से, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आप हमारे साथ जुड़ें। और जी, ये सबकी जिम्मेदारी है। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन जो हमने किया था, मैंने जो है जब से उन्होंने लोन लिया है उस हिसाब से 2008 से लेके मैंने 2018 तक का हिसाब डाला है, जबकि वो जो स्टूडेंट का मैंने नाम बताया धनुष, जिसने वेबसाइट पे लिखा है कि 15 लाख रुपया डोनेशंस लेते हैं, तो अगर 20 सीटें अगर लेते हैं यानी 20 का वाले से, तो 20 में मैंने नहीं 40 में से 20 यहां पे मैंने आउट ऑफ 15 लाख मैंने 5 लाख रुपया कंसिडर किया है, यानी आमदनी समझो कि 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया एक्सपेंसेस निकाल दो, जो कुछ भी निकाल दो, तो सालाना अगर ये 5 लाख रुपया 20 आदमी से, 20 स्टूडेंट से, तो कितना बनता है, उसके हिसाब से मैंने सिर्फ 2018 तक का कैलकुलेट किया तो रकम बनती है 11 करोड़ रुपया, सिर्फ एक डेंटल कॉलेज की बात कर रहा हूं, और इसमें मैंने मास्टर डिग्री का नहीं डाला जहां पे 50 लाख रुपया लेते हैं एमडी का, जो मैंने उसका हिसाब नहीं डाला, मैंने सिर्फ आई हैव टेकन द बेसिक अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज पर स्टूडेंट एंड वो बनता है 11 करोड़ रुपया। तो क्या है 11 करोड़ रुपया में आपको 9 करोड़ रुपया देना मुश्किल हो गया था? दिस इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। सो लोगों को जो है मैं गुजारिश करता हूं कि सही सवाल करें, और किसी भी हालत में। और एक बात आपको मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूं कि ताज मोहम्मद खान क्यों, वही ताज मोहम्मद खान, आप देख लें कि इरविन रोड पे जो जमा मस्जिद है, जिसका रोड एक्सपेंशन की वजह से जो है नोटिस आई और कॉरपोरेशन ने, शायद गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपीस उसका जो है कॉम्पनसेशन उन्होंने किया। जब लास्ट ईयर रमजान के महीने में वो वीडियो भी वायरल हुआ था जो मस्जिद के अंदर जो है 26वीं को ताज मोहम्मद खान साहब को पूरे घेरे हुए थे और सवाल और जवाब कर रहे थे, तो वहां से पता चला कि वो जो कॉरपोरेशन की जो कंधा आया, और जो उस पर डिटेल्स मेरे पास नहीं है, बट टोटल अमाउंट 68 लाख रुपीज, यानी 60 पर 8 लाख रुपया का कोई हिसाब नहीं, दैट वॉज मिसिंग। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट लेकिन वो जो वीडियो देखने के बाद, उसके बाद जो मैसेजेस आ रहे थे, तो दिस वॉज द केस, और वहां पे उन्होंने रिजाइन कर दिया, लोगों ने उनको प्रेशर डाला, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो बंदा अल्लाह की घर की फिक्र नहीं कर रहा तो उसे इदारों की क्या फिक्र। एंड हम लोगों को किसी भी किस्म के जो है किसी भी आदमी से, यानी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई जो कौम के साथ अगर गद्दारी करता है, कौम के लिए अगर कोई धोखा देता है, और कौम के गरीब बच्चों को तालीम हासिल करने से महरूम रखता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। दिस इज अवर ओनली रिक्वेस्ट एंड दिस इज अवर अपील टू ऑल द पीपल, और मैं आप प्रेस वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त भी आप लोग आकर इसको कवरेज किए। जज़ाकअल्लाह खैर। वाकई में कर्नाटका मुस्लिम सोशल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट काबिल मुबारकबाद देता हूँ। जो आप जिस फिक्र से यहाँ जमा हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौम की फिक्र में जमा हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपको पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, आजादी कुछ नहीं है, कौम का मफाद की खातिर आपने इतना किया है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। सर, यहाँ जैसे ईदगाह की बात आती है, तमाम के लोगों को यही बात है कि ईदगाह डूब गया, ऐसा ऐसी कुछ बातें थी, लेकिन आपने वो कोलैटरल के तौर पर जो भी स्टैटिक्स बताया, तो आवाम को ये मालूम हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि आज जो बातें सामने आई हैं वो शायद अभी तक किसी के सामने नहीं थी, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपकी कोशिशें इसमें बहुत हैं, और मुझे ये भी सुनकर बड़ी हैरत हुई कि रियाज साहब जैसी शख्सियत जिनके एहतराम तमाम के दिलों में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे नामवर शख्सियत अगर इस वक्त ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का।
बिल्कुल, जो जाहिर लोग हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नौजवानों में जज्बा है उस जज्बे को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है ऐसे लोगों से। जी बिल्कुल, तो बात आगे आई गई नहीं कर सकते हम लोग, जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से जवाबदारी देना पड़ेगा और जो जो खता की है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आना जरूरी है। जी, अब आप मुदस्सिर अली खान साहब ने बताया, आपने बताया कि इनके लिए वो ट्रस्टीज वगैरह की जरूरत है, आप साथ दें या ना दें, आप हर हाल में पीएल लाने वाले हैं। नहीं नहीं, क्लैरिफाई, देखो ट्रस्टीज अगर उन्होंने खुद रिबेल रिवोल्ट करे, उन्होंने रिवोल्ट कर को कंप्लेंट करे अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स, जो उनके जो ट्रस्ट के खिलाफ जो भी ट्रस्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है इस स्कैम के अंदर, तब हमें पीएल फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, उन्होंने रिबेल होकर, जैसे कि मैं आरिफ मिकरी साहब, अब तो उन्होंने रिजाइन कर को ही, अब उनका क्या होल्ड है नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब उन्होंने रिजाइन करने की बजाय अगर उन्होंने उस वक्त रिवोल्ट कर को अगर था जो भी रॉन्ग डूअर्स थे उसके अंदर उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट कर देते कंसर्न अथॉरिटीज को, तो इमीडिएटली क्या होता, ट्रस्ट सुपरसीड होता। तो मैं और आप नहीं कर सकते, अब ये हम ना इनका सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हमें अब क्या है ये अब पीएल हाईकोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना पड़ता, उसके वास्ते हमारा जो जो भी डेटा होना वो सब हमें ये कर को ही, उसके अंदर हमें इंशाल्लाह हमारा प्रेयर क्या रहता है, तो सबसे पहले इन लोगों को जो भी ट्रस्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो ट्रस्टीज को के खिलाफ एफआईआर होना, क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ। और सेकेंड प्रेयर हमारा क्या रहता है, जो प्रॉपर्टीज इन्होंने देखो कोलैटरल वो नहीं, इनके जाती प्रॉपर्टीज अगर हाँ, अब देखो और क्या करी इन्हों प्रॉपर्टीज इनकी ट्रांसफर करी दूसरे को, इनके रिश्तेदारों को सब जल्दी, अब मालूम हो रहा ना, अब आता है पूरा बाहर आता है को, तो इन्होंने क्या करी इनके प्रॉपर्टीज पूरे दूसरों को बेच रही ट्रांसफर कर रही, अगर बेच रही ट्रांसफर कर रही तो इंशाल्लाह हाईकोर्ट से हमें ऐसा एक ऑर्डर लेने को आती इंशाल्लाह के उसे रोकती स्टे कराती, बाकायदा उनके प्रॉपर्टीज अटैच कराती, उनकी जाती प्रॉपर्टीज जो है उससे जो है लोन जो भी है ये पब्लिक मनी है, आरबीआई जो है आरबीआई से जो भी लोन लेती इट इज ए पब्लिक मनी, पब्लिक जो बैंक जो भी लोन देती है तो पब्लिक मनी वापस उन्होंने फाइनेंस करके उसका ये लेको जो है एक बिजनेस है। तो बाकायदा क्या है इसके अंदर जो भी जो बैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और जो भी इसके अंदर ये हमारे जो ट्रस्टीज इन्वॉल्व हैं इनो इसका ये नुकसान भरपाया करना। 28 तारीख है जी, रात के 11:30 बजे जी, कल 29 तारीख है, तो 30 तारीख को एक्शन है ऑनलाइन, तो इस हिसाब से क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, इसीलिए सवाल है मेरा कि कई लोग जो जज्बाती हैं वो कह रहे हैं कि 30 तारीख को ईदगाह चलो, ऐसा कुछ एक काम कर जाए, अब वो जाकर क्या किया जा सकता है, ईदगाह जाने से कुछ हल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, ये जो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि आज हमने जो है डीसी से मुलाकात की और डीसी को एक मेमोरेंडम दिया है और डीसी को इसकी जो नोटिस जो है वो भी हमने विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वी हैव अप्रोच द डीसी एंड वी हैव अप्रोच द पुलिस कमिश्नर एंड इंशाल्लाह कल हम लोग जो है सब रजिस्टर ऑफिस भी जाएंगे और उनको भी एक मेमोरेंडम देंगे अगेंस्ट दिस ट्रस्ट। और हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि कैनरा बैंक से फॉल्ट हुआ है, इट इज नॉट ओनली द ट्रस्ट, इट इज ऑल्सो द फॉल्ट ऑफ द कैनरा बैंक एंड सो द ऑप्शन इटसेल्फ विल बिकम एन इलीगल, ऑप्शन इटसेल्फ विल बिकम एन इलीगल। इसीलिए आप लोगों को इस वक्त आपको हमने जहमत दी क्योंकि कल संडे है, परसों मंडे जो है यानी एक दिन का वक्त रहता है सारा कार्रवाई करने के लिए, तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम हम गुजारिश करते हैं कि वायरल करें सो दैट इट शुड रीच इवन द कैनरा बैंक ऑफिशियल्स, ओके, सो दैट दे ऑल्सो शुड हेजिटेट एंड इंशाल्लाह हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि सी अगर ट्रस्टीज अगर हमारा साथ देते हैं मेंबर्स जो रियाज साहब और सईद साहब, हमने यहां तक कह दिया सईद साहब से भाई अगर चार लोग मिलके नहीं, आप बचे चार ही हैं तो अगर शौकत और इनको निकाल दिए तो चार में से अगर दो भी अगर हमारे साथ आ जाए तो इंशाल्लाह अज़ीम ये जो है दिस कैन बी इमीडिएटली, देखिए वो कंप्लेंट फाइल करेंगे और इमीडिएटली नोटिस देंगे तो कोर्ट से स्टे भी ला सकते हैं। हामिद भाई इसमें एक जैसे क्या कह रहे हैं जुमा की रात है जी, कल सैटरडे है जी, संडे होने की वजह से क्या जानबूझ कर ये बैंक की तरफ से साजिश नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि वीडियो हम कल वायरल करेंगे लेकिन संडे तीस तारीख नहीं, कल संडे नहीं, संडे 30 देखिए
मंडे 30 है ये इस इस फोर्थ सर्टिकल बैंक है आज 27 आज 27 मंडे मंडे का एक दिन है हमारे पास और इसीलिए हम लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। अगर देखिए आपको पता चल जाएगा कि ईएमडी अमाउंट बनने का आज आखिरी दिन था। अगर ईएमडी अगर किसी ने फाइल किया है मेरे ख्याल से जितना वीडियो वायरल हुआ है शायद ही कोई इसको पार्टिसिपेट करेगा। अगर करता भी है तो हमारे पास जो है मेमोरेंडम कॉपीज हैं, अगर चलो ऑक्शन का अमाउंट ले भी लेते हैं इवन देन द कैनरा बैंक विल बी कमिटिंग वन मोर क्राइम। आप एग्जैक्टली अगर कोई ले लेता भी है तो उससे उसके साथ धोखा हो रहा है। उसको क्या दे रहे हैं कि पूरा जो है 2 acres ऑफ लैंड जो बता रहे हैं जबकि जो है 1 acre 4 quintals बिलोंग्स टू अंधेशावली दे आर नॉट गोइंग टू गिव द डॉक्यूमेंटेशन है तो जो लेगा तो वो बेवकूफ है तो ही इज गोइंग टू बी इन ए कैनरा बैंक विल बी कमिटिंग वन मोर क्राइम। और एक आपको मैं बता देता हूं कि ये जो कैसरे की जो 4 acres जमीन है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो है जहां तक इन्फॉर्मेशन है उसको लेआउट बना के कई साइट कई लोग साइट लिए हैं साइट ले लिए हैं और साइट बेचा गया है जी हाँ जो क्या बोलते हैं उसको जो नहीं जब वो जमीन का रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आरटीसी कैनरा बैंक आते तो लोग वहां पे जाकर पूछे सीधा कहा कि भाई वो लोन लिए हैं इसीलिए हमारा होल्ड है जी बिल्कुल। तो ये कैसे लोगों के साथ धोखा कर सकते हैं और ये जो रियल एस्टेट करके इसको लेआउट बना के बेचने वाले कौन है किसके बाप का मालूम हु आर दिस पीपल हिसान आप लोगों को पता लगाना चाहिए इसका हम लोगों को पता है वी डोंट वांट टू नेम देम ओवर दिस वीडियो बिकॉज पीपल नो जिन्होंने पैसा दिया है जिन्होंने खरीदा है जिनको आप रजिस्ट्रेशन के लिए तकलीफें हो रही हैं उनको पता हो गया होगा लेट देम कम फॉरवर्ड वो लोग भी सामने आए पीआईएल में साथ दें हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे हम लोग उनको हेल्प करेंगे कि उनका केस हम लोग फाइल करें और हम वी विल एनी हेल्प अस टू हेल्प द सोसाइटी टू सोसाइटी हेल्प अस टू हेल्प कम्युनिटी दिस इज आवर रिक्वेस्ट। तो और कोई आपका सवाल है जो बेझिझक पूछ सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से उम्मीद है और हमारा कांटेक्ट नंबर भी मैं बता देता हूं अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं जैसा कि हमीद हसन साहब बताए कई फॉरेन स्टूडेंट्स अब मुझे ये इशू क्रॉप अप होने के बाद एक 3 फॉरेनर स्टूडेंट्स एक अफगानी स्टूडेंट है जो सऊदी में बेस्ड है जिद्दा में अब्दुल अजीज बोल दो उसके पास 15 lakh rupees लेकर हूं और एक हबीब बोल दो यमनी है उसके पास 15 lakh rupees और एक लड़के के पास 12 lakh rupees तो ये सिर्फ 3 लड़कों के पास है। अब भाई मेरे पास सुनो अपना वीडियो बना के उन्हें भेजती मैं देखो तो इन तीनों के पास कैन कैलकुलेट हाउ मच इट इज इट कम्स अराउंड 42 lakh सिर्फ ये 3 लड़कों के पास लेकर गए और उनको क्या भी उनको सीट वहां पर क्या भी नहीं जबकि वो इनएलिजिबल थे नीट उन्होंने नहीं लिए थे नहीं लेने के बाद भी उनको झूठ बोल को क्या है उनसे ले लेको उनको क्या भी उनका रिफंड आज तक भी होकर नहीं है। तो कब एडमिशन कोर्स कब तक जी ये पैसे कब तक सुनो ये पैसे देकर लगभग 3 साल पहले हाँ जब जिस ईयर नीट लागू हुआ 3 या 4 साल पहले 3 साल नहीं नीट लास्ट 3 इयर्स बैक जिस दिन लागू हुआ तब का है नीट 5 इयर्स जी ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9141043356 एंड 9538427575 इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं एंड मुजक्किर आपका नंबर है तो ईमेल आईडी भी जी प्लीज आप खुद बता दीजिए मुजक्किर सो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट टू यू डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम मेरा नंबर 7892948132 अब कोई भी आपको इसके बारे में अगर डाउट है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं मैं ये ट्रस्ट का पीएम के लिए हो या कोई भी इश्यूज आपको इसके रिलेटेड हैं तो डायरेक्टली इन दोनों के नंबर अगर बिजी आए तो इंशाल्लाह थर्ड कॉन्टेक्ट नंबर विल बी माइन
मैं और एक नंबर और एक टाइम मैं दोहरा देता हूँ 7892948132। थैंक यू। मेरे रेडी।